हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मर्चेंट नेवी हेल्पलाइन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले रेफरेंस के बारे में कि मर्चेंट नेवी के लाइन में रेफरेंस का क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, रेफरेंस का दो जगह पे यूज़ होता है। सबसे पहला जगह पे आप जिस भी मर्चेंट नेवी लाइन का कोर्स करते हैं, मैरीटाइम का कोर्स करते हैं, तो उस कोर्स करने के लिए जो भी आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ करते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करते हैं, तो उस कॉलेज की एक अपनी टर्म एंड कंडीशन होती है। यानी कि आपको मान लीजिए कि कोई कॉलेज मांगता है कि PCM में आपको 12th में आपको PCM में 60% होने चाहिए, कोई कॉलेज मांगता है 55% होने चाहिए और इंग्लिश में 50% होने चाहिए, या जैसे कि एंग्लो का है कि वो 60% चाहिए PCM में और 55% चाहिए इंग्लिश में। तो प्राइवेट कॉलेज का अपना एक टर्म एंड कंडीशन है, इसी के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज का भी अपना एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपको IMUCT में मान लो कि अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, तब आपको जाके कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज में कि अपना टर्म एंड कंडीशन और गवर्नमेंट कॉलेज में टर्म एंड कंडीशन। लेकिन अगर आपके पास कोई पॉलिटिशियन सपोर्ट है, कोई आपके जो दे सकता है आपको डिफरेंस, तो इसमें भी आपका सबसे ज़्यादा अच्छा डिफरेंस लगता है। जो भी आप मैरीटाइम का कोर्स करना चाहते हो, तो जो भी आप कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसमें अगर मान लो 12th में आपका कम परसेंट है कॉलेज की क्राइटेरिया के हिसाब से, मान लो कॉलेज 75 मांग रहा है, अगर आपके पास 60 है या 70 है, मान लो जैसे कि एंग्लो हो गया वो 60% मांगता है, लेकिन आपके पास अगर 55 है, 50% है, तो भी अगर आपके पास कोई पॉलिटिशियन सपोर्ट है, कोई नेता है या कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई भी आपके पास पॉलिटिशियन मेंबर है, तो वो आपको अगर रेफरेंस लगा देता है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ईजिली मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है ये, आपको एडमिशन मिल गया फर्स्ट। और दूसरा, मैं बात करूँ शिपिंग कंपनी के बारे में, जॉब के बारे में, तो जॉब में क्या रेफरेंस है, इसको मैंने क्लासिफाइड किया है तीन पार्ट में। सबसे पहला पार्ट कि मान लो जो भी शिप पे AB है, ऑयलर है, जो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको जो रेफरेंस लगता है, तो सबसे पहले रेफरेंस ID होता है। मतलब कि हर सीफेयर के पास एक अपना रेफरेंस ID होता है, और उस रेफरेंस ID में एक रेफरेंस नंबर होता है। तो जिस किसी को अगर मान चाहते हो कि आप जॉब प्रेफर करो, जॉब उस कंपनी में अपना लगवाओ रेफरेंस, तो उस कंपनी को आपको रेफरेंस नंबर देना पड़ता है अपना, कि हाँ भाई इस रेफरेंस नंबर का बंदा मेरे अंकल हैं या मेरे भाई हैं, वो शिप पे सेलिंग कर रहे हैं, तो इस डैट, तो आपको रेफरेंस नंबर देना पड़ता है एक। ठीक है, और मैं बता दूँ, इसको मैंने क्लासीफाइड किया तीन पार्ट में। सबसे पहला पार्ट, अगर आप शिप पे जाते हो, तो किसी भी रैंक पे जाते हो, तो आपको मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए किसी को भी रेफरेंस देने के लिए। कम से कम आप 3 साल शिप पे काम किए होने चाहिए, या 3 साल आप उस शिपिंग कंपनी में वर्क किए होने चाहिए, तभी आप किसी को रेफरेंस दे सकते हो। 3 साल से कम अगर आपने किसी भी शिपिंग कंपनी में जॉब किया है, मान लो कि अगर आपने आज 1 साल दूसरे शिपिंग कंपनी में काम किया, फिर 1 साल किसी दूसरे शिपिंग कंपनी में काम किया, फिर 1 साल किसी दूसरी कंपनी में दूसरी शिपिंग कंपनी में काम किया, तो आपका डिफरेंस नहीं लगेगा। किसी भी एक सिंगल कंपनी में आपको कम से कम मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल आप उस शिपिंग कंपनी में वर्क किए होने चाहिए, तब आप किसी को जो डिफरेंस दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो शिप पे जाते हैं जो फ्रेशर, वो तो स्टार्टिंग में उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो वो आपको नहीं दे सकते रेफरेंस। अब मैं बता दूँ, जो शिप पे सेल कर रहा है या 2-3 से 4 साल उसने सेल किया, उसका रैंक AB है या ऑयलर है या कुछ भी जूनियर रैंक है, AB हो गया, ऑयलर हो गया, तो उसका भी डिफरेंस लगता है। 3 साल से ज़्यादा उसने एक परमानेंट शिपिंग कंपनी में जॉब कर रखा है, तो उसका भी डिफरेंस लगेगा। लेकिन सबसे पहला जो डिफरेंस होता है, वो होता है पॉलिटिशियन डिफरेंस। जो सबसे तगड़ा वाला डिफरेंस लगता है, वो सबसे हार्ड डिफरेंस होता है, बेस्ट ऑन बेस्ट वो होता है पॉलिटिशियन डिफरेंस। सेकेंड नंबर पे चीफ इंजीनियर ऑफ कैप्टन, और थर्ड नंबर पे AB या ऑयलर। अगर AB या ऑयलर कोई आपका है शिप पे, वो आपके लिए डिफरेंस लगाता है उस शिपिंग कंपनी में, जिस शिपिंग कंपनी में वो जॉब कर रहा है, तो आपको लग जाएंगे मेरे हिसाब से 7 से 8 महीना वेटिंग आपको करना पड़ जाएगा उस आपको ज्वाइनिंग होने में। अगर आपका कोई रिलेशन में है कैप्टन या चीफ ऑफिसर या चीफ इंजीनियर, हाईली रैंक पे उस शिपिंग कंपनी में जॉब कर रहा है, तो आपको लग जाएंगे 3 से 4 महीना जॉब ज्वाइनिंग में। ठीक है, और अगर आपके पास है पॉलिटिशियन सपोर्ट,
तो फिर टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास मर्चेंट नेवी लाइन में अगर आपके पास कोई भी पॉलिटिशियन सपोर्ट है या कोई भी चाचा विधायक है आपके, तो भी भैया अगर किसी तरह का भी आपके पास रेफरेंस मिल जाता है पॉलिटिशियन में, पॉलिटिकल सपोर्ट जो होता है मर्चेंट नेवी लाइन में बहुत ही बड़ा पावरफुल सपोर्ट होता है और इसका बहुत ही फास्टली वर्क किया जाता है, ठीक है। जो भी वर्क होता है बहुत ही फास्ट होता है। अगर मान लो कोई रेफरेंस लगाता है पॉलिटिशियन तो उसका ज्वाइनिंग एक महीने में भी हो जाता है, तो हाईएस्ट लगेगा पॉलिटिशियन वाले को लग जाता है तो वो 2 से 3 महीना हाईएस्ट लगता है। लेकिन अगर मैं रेफरेंस की बात की जाए तो सबसे फास्ट रेफरेंस काम करता है तो वो पॉलिटिशियन वाले का काम करता है, जो भी MLA हो गए या जो भी पॉलिटिशियन MLA हो गए, जो भी नेता लोग हो गए, तो उसका रेफरेंस बहुत ही फास्टली वर्क करता है। उसके बाद थोड़ा आता है चीफ इंजीनियर और कैप्टन का वर्क करता है। उसके बाद लास्ट में आता है AB ऑयलर। तो AB ऑयलर में बता दूँ, अगर तीनों में मान लो कि पॉलिटिशियन हो गया, चीफ इंजीनियर और कैप्टन हो गया, और थर्ड नंबर पर ऑयलर, इसमें किसी अगर आप प्रेफर कर रहे हो, किसी को वो रेफरेंस दे रहे हो जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग कर रहा है, ठीक है, जूनियर जो कैडेट हो गया, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग कर रहा है, जिसके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसमें आपको थोड़ा वेटिंग पीरियड ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि उस बंदे को कंपनी पहले जॉब देगी जिस बंदे का पहले ऑलरेडी रेफरेंस लग चुका है, कोई अंदर कोई बंदे लगा चुके हैं तो पहले उसके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का 2 साल का, तो उस बंदे को पहले कंपनी लेती है। रेफरेंस होने के बाद भी स्टार्टिंग में अगर आपके पास अगर 1 भी साल का एक्सपीरियंस है तो आप रेफरेंस लगाओ किसी भी, अगर जो भी आपको शिप पे वर्क कर रहे हैं जिस भी रैंक पे, तो रेफरेंस लगेगा, लेकिन मिनिमम 3 ईयर्स का वर्क वो उस कंपनी में किए होने चाहिए परमानेंट उसी कंपनी में, तभी आपको रेफरेंस लगेगा। अब मैं बता दूँ, जितने भी कंपनी आते हैं, शिपिंग कंपनी आते हैं अपने इंडिया में, जितने भी इंस्टीट्यूट हो गए, जितने भी कॉलेज हो गए, तो जॉब प्रोवाइड कराने के लिए तो उसका एक होता है कि हाँ भाई मैं जो लूँगा वो 60-75% एवर वाले बंदे को लूँगा। जैसे कि बता दूँ आपको, मर्क्स लाइन को कौन नहीं जानता, वो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। तो उसका कंडीशन क्या है कि भैया आपको जो 12th में आपने जो 12th किया तो आपने 12th में मिनिमम लाया है वो 70% मिनिमम PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको 70% होना चाहिए, इंग्लिश में आपको 60% होने चाहिए। आपने जिस भी कोर्स किया है उसमें फाइनल ईयर्स के मार्क्स जो है उसमें आपको जाने चाहिए कम से कम 60%। तो उसकी टर्म एंड कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। इसमें आपका पॉलिटिशियन सपोर्ट नहीं चलता या AB ऑयलर सपोर्ट नहीं चलता है, इसमें आपका एक ही सपोर्ट चलता है, वो है कैप्टन या हाई रेटिंग ऑफिसर। यानी कि उसको भी लगता है तो बहुत ही प्रॉब्लम के बाद लगेगा, लेकिन हाँ अगर आपके पास उस कंपनी के हिसाब से, अगर आपके पास मान लो कंपनी की टर्म एंड कंडीशन है 70% PCM में चाहिए, इंग्लिश में 60% चाहिए, और आपने जो डिग्री कोर्स किया उसमें आपको चाहिए 60% जो फाइनल ईयर्स होते हैं, उतना अगर आपके पास है तो आपको इस भी कंपनी में रेफरेंस लग जाएगा इजीली। लेकिन अगर आपको कंपनी के अकॉर्डिंग जो कंपनी आपसे मांग रही है, डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास नहीं है तो आपको वेटिंग लग जाएगा थोड़ा। वेटिंग ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलेगा, वेटिंग थोड़ा करना ज़्यादा पड़ जाएगा। तो ये सब बड़ी शिपिंग कंपनी है, इसमें जॉब लगाना बहुत ही, तो ऐसा डिफरेंस देखो, डिफरेंस हर बंदे का लगता ही नहीं है, डिफरेंस हर बंदे का, किसी बंदे का रेफरेंस कैंसिल भी होता है, ठीक है। तो डिफरेंस आप ये देख के लगाओ कि मेरे जो रिलेशन में तो वो किस शिपिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। ऐसा जिसका चीफ कुक है या कुक है तो उसका भी डिफरेंस लगता है, ऐसा नहीं कि उसका नहीं लगता है, बता दूं मैं, जो भी चीफ कुक है शिप पे तो उसका भी डिफरेंस लगता है। तो होता है, तो डिफरेंस आपको इजली लग जाएगा। लेकिन हाँ एक ही कहना है कि भाई जो भी मेरा एक ही सजेशन रहता है आप लोग से कि भाई आप मेरा एक ही, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो भी भाई है तो भाई प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है भाई, जो भी ट्वेल्थ कर रहे हो तो प्लीज़ कोशिश करो यार कि 70% से ऊपर लाए, जो भी मैरीटाइम के लाइन में आना चाहते हो, ठीक है, जो भी मर्चेंट नेवी का कोर्स करना चाहते हो, जो भी मैरीटाइम का कोर्स करना चाहते हो, वो कोशिश करो कि कम से कम 65-70% लेके आए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, उसके बाद इंग्लिश में चाहे कि अच्छा से अच्छा रैंक लाए, तभी आपको दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी में सबके जॉब मिल सकता है, जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं कि फिर मैरीटाइम का कोर्स कर लेने के बाद फिर अगर पछताओगे कि यार काश उस टाइम में पढ़ लेते हैं, फिर अगर मेरे पास इतना परसेंट होता तो आज मैं इस शिपिंग कंपनी में जॉब करता, आज मेरी सैलरी कुछ और होती, आज मेरा रैंक कुछ और होता, फिर उस टाइम में मत पछताना यार, जो करना अभी करना है तो अभी इतना अच्छे से प्रिपेयर करो कि उस टाइम आपको पछताना ना पड़े।
तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी मर्चेंट टेमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।